और चलिए लिए चलते हैं आपको हरियाणा के रोहतक, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रोहतक से। हरियाणा में फौजियों, हमारे बेटों ने, हमारी वीरांगनाओं ने अपने बेटों को फौज में भर कर रखा है। आज पूरा देश चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि मेरा हरियाणा का जवान सीमा पर पाकिस्तान का सामना कर रहा है। दूसरा, खेल कहां पर भी खेला जाए, नेशनल खेला जाए, इंटरनेशनल खेला जाए, देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा मेडल लाने वाला मेरा हरियाणा का धाकड़ होता है, धाकड़ होता है। और तीसरा, देश आज अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, तो इसका कारण हरियाणा का मेरा किसान है, किसान है। भाइयों बहनों, ये तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस ने क्या किया? बोफोर्स का घोटाला किया, सबमरीन का घोटाला किया, एयरफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, और वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। मोदी जी ने 14 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही वन रैंक वन पेंशन देकर हमारे सेना के जवानों को 1,20,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने खेल का बजट 3 गुना किया, स्टेडियम बनाए, इंटरनेशनल कोचिज लाए, मानदंड खिलाड़ियों का बढ़ाया, पारदर्शी सिलेक्शन किया, और इसके कारण आज हम खेलों में दुनिया में छाए हुए हैं। और याद रखना युवाओं, 36 का ओलंपिक भारत में होने वाला है, भारत में। और मोदी जी ने एमएसपी पर लगभग 12,00,000 करोड़ रुपया, एक कांग्रेस पार्टी 10 साल में 12,00,000 करोड़ का गेहूं धान खरीदी।